हमर नाम भेलै सरिता देवी, हम दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह की कोषा अध्यक्ष छियै, प्रकाश ग्राम संगठन महिला के सदस्य, घर भरना प्रखंड बरहरा कोठी जिला कोठी। सब दीदी भाई के प्रणाम। हमरो नाम भेलै शीला मुर्मू, दुर्गा स्वयं सहायता समूह के कोषा अध्यक्ष भेलियै, प्रकाश जीविका ग्राम संगठन के हम कोषा अध्यक्ष भेलियै। हमरो घर भेलै ठरही रहा प्रखंड बरहरा कोठी जिला पूर्णिया के निवासी छियै। हमर नाम भेलै गुलाबचंद मुर्मू, प्रकाश जीविका महिला ग्राम संगठन के हम डीआरजी भेलियै। हमर घर भरना टोला थाना बरहरा कोठी जिला पूर्णिया के हम निवासी। प्रणाम दीदी। अच्छा दीदी, श्री विधि से कैटा दीदी धान के खेती लगल है? ओ धान के खेती श्री विधि से नहीं लगल है? अच्छा दीदी, श्री विधि से धान के खेती तुम सब कहने न कर लो? श्री विधि में तो ढेर सारे नियम करे पड़े। निम्मक का घोल बनाबो, मुर्गे का अंडा धो, ऊपर से धान का बीज गिराबो, ओते मेहनत के करते? धान के बीज फुलाबो, तब बोरा में रखो, नर्सरी बेट बनाबो, बीज गिराबो, कते लफड़ा छे? एक एक बिचरा लगाबो, होते कि नहीं होते ओकरो कोन गारंटी छे? 8 से 14 दिन के बिया बीज जे रोपे ला कहे छे, तो हमरा सब 25 दिन के बिया रोपे छे, कि 4-5 गो के बीज लगबे छे, जे अखनी कमल बिया लगेबे मरते कि जीते कौन ठेकान छे? दीदी, श्री विधि से अगर बीज उपचार करी के धान लगेती ना, वो फुफुंदी नाशक वो रोग जो है वो नहीं। परम्परागत विधि से अपना सब जो धान लगबे वही में धान के बीज जैसे एक एकड़ में 20 से 25 किलो धान के बीज लागे, और श्री विधि से एक एकड़ में 2 किलो धान के बीज से ही रोपाई भेजा। श्री विधि से 8 से 14 दिन के बिचरा मिट्टी सहित एक एक बिचरा लगाबे छिए। परंपरागत विधि से 25 से 30 दिन के बिचरा लगबे छिए, वो भी मट्टी झाड़ी के, उसमें 7 से 8 दिन वो लागे में लागी जाए छिए। श्री विधि से शीला दीदी अभी धान लगेले छे, हमें देखी के लिए इतना बढ़िया धान छे कि तोरो सिनी के धान ओकरा से बिल्कुल जीरो में छे, माइनस में, तोरा सिनी के विश्वास नहीं है छन, तो चलो दीदी शीला दीदी मुर्मू के धाम देखी के आइए। अगर शीला दीदी के धाम तोरा सिनी के धाम से बढ़िया है तो तोरा सिनी मिठाई खिलाबे ना हमरा। दीदी यह है शीला मुर्मू, अपने खेत में तोरा कनी का कहले रियन के वहाँ शीला दीदी धान के खेती कर ले श्री विधि से, एक पूछे की लाभ है श्री विधि से खेती कर ले? दीदी यह दीदी बतेत श्री विधि के बारे में। अच्छा दीदी, तोरा सब जे यहाँ आयल छे बीआरपी भैया जे लेके आयल छे, की बात छके? बीआरपी भैया बोलले कि शीला मुर्मू श्री विधि से खेती लगेले छे, वह सब हमें सब देखे ले लिए। दीदी तोरा सनी के विश्वास नहीं है रहन, कितना अच्छा धान छे शीला दीदी के जे कि श्री विधि से लगेले छे, तोरा सनी के विश्वास नहीं रहन, और मीठा तो रेसनी के लागत। अच्छा दीदी बतलाओ तो क्या क्या बिचड़ा लगे ले रहो? एक एक बिचड़ा 10 बाय 10 इंच के दूरी पर लगेले छिए। कै दिनों का बिचड़ा लगेले छिए दीदी? हाँ दीदी, 10 दिन का बिचड़ा लगेले छिए। दीदी एक एक बिचड़ा लगेले छे 10 इंची के दूरी पर, और एकरा केला के संख्या गिनी के हम बता दे छौं तोरा सनी के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. हाँ दीदी, तोँ सब तो इन्ने देख लो, 30, 40 गो छे, उन्ने देखबो तब ना, 55, 60 गो छे उन्ने, जाए के गिनो ना, की देखे छो जा। उतना उतना बिट्टा छो, हाँ जा ना, जा। दीदी उन्ने देख लो कितना कितना कल्ला हम क्या गो करो हम उन्ने देख लिया तो 60 गो 50 गो छे दीदी हां 50 गो हां उतना कल्ला छे अरे हम सिरिए विधि खेती करे बहुत अच्छा छे उन्ने हम सिरि देखी के लिए अच्छा दीदी सिरि विधि से जे लगल के कितना कितना कल्ला छे देख लो ना गिनती कर लो ना हां कर ली और तोरा सिनी जे उ परंपरागत विधि से लगेले छे वो धान देखे ले चलो देखो दीदी तू जे लगैले छ ई परंपरागत विधि से देखो केते धान छ पांच छ गो लगैले छ तइयो एते बढ़िया नै छ हे या देखो केते कम छ पीला पीला अति पत्ता छ आ हे या गिन के देखै छ ये बतबै छ केते छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देख लो कते कम छ हमर धान देख लो कते बढ़िया छ के कैसे दीदी आब तू सब लगबो सिरिए विधि से तू सब नै समझै छ तू सब लगबो कते फायदा छ कमो बीजो लगे छ धानो बढ़िया होय छ खूब फायदा छ ए दीदी तू जे लगैलो परंपरागत विधि से बिना बीज उपचार करले लगैलो बीज उपचार करके लगती है तो इन ई हाल नहीं होती है ई बीमारी तरह नहीं पकड़ती है बढ़िया धन होती है हरा भरा बढ़िया होती है ठीक क्या कह छो दीदी पर से सीरिए विधि लगेबे ठीक क्या छे दीदी पर से हम सब अगला साल लगेबे विधि से खेती अब ई बेर ध्यान नै देलिए ओतना पर से लगेबे सीरी विधि से खेती अच्छा दीदी सीरी विधि से खेती करे छो एम की लाभ छे कम बीज में अधिक रुपाई होइ छै जड़ सुरक्षित रहला पर ओ पौधा जल्दी बढ़े छै बीज उपचार करले के करला के बाद में फसल में जो रोग जे आवे छै ओइसे बचाव करे छै अच्छा दीदी श्री विधि से खेती करे छो एम कुछ सावधानियो राखे पड़े छै हां दीदी सावधानी करे पड़े छै कि बीज उपचार करी के ही नर्सरी में डालो 8 से 14 दिन के बिचड़ा के रुपाई करो नर्सरी से उखड़ले के बाद बिचड़ा के आधा घंटा के अंदर ही वो बीज के रुपाई करो कम से कम दो बार कोनो बिडर से कमौनी करो अच्छा दीदी किसान दीदी संदेशो दैल चाहै छौ हां दीदी देबै कि हमें चाहै छिए कि सब किसान दीदी भाई श्री विधि से ही खेती करो एकरा में ढेर लाभ छे श्री विधि से जानकारी देलो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद